अपना लाइफ स्टाइल पसंद नहीं है तो बदल डालिए, अपना डेस्टिनेशन पसंद नहीं है तो बदल डालिए। हर चीज बाई चॉइस बदलती है। मैंने कहा बदलने के लिए खुद को बदलना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको खुद को बदलना होगा, अपने अंदर क्रांतिकारी बदलाव आपको लेकर आना है आज से। ऑलवेज बी रेडी फॉर चेंज। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप नहीं बदलेंगे। अगर आप लोगों को बदलना चाहते हैं, अपने आसपास बदलना चाहते हैं, तो आपको खुद को बदलना होगा, अपने अंदर क्रांतिकारी बदलाव आपको लेकर आना है आज से। अगर आप सिर्फ अपने जरूरतें पूरा करना चाहते हैं, अपनी नीड्स ही पूरा करना चाहते हैं, डेली का गुजारा ही करना चाहते हैं, तो फिर आपको ज्यादा बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने ड्रीम पूरे करना चाहते हैं, अपने माँ बाप के ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, अपने साथ जुड़े हुए लोगों के ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, आने वाली जनरेशन के ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, तो आपको बदलना होगा, आपको चेंज करना होगा। जैसे आप इस हाल में एंटर हुए, अगर वैसे ही आपने सीट छोड़ दी, तो आई टेल यू जैसा जीवन पहले था वैसा ही जीवन इसके बाद होगा। कहते इंसान भी कितना अजीब है, घर बदलना चाहता है, व्हीकल बदलना चाहता है, आमदनी बदलना चाहता है, अपना और अपने मां बाप का लाइफ स्टाइल बदलना चाहता है, लेकिन फिर भी रोता रहता है। पता है क्यों? क्योंकि वो खुद को बदलना नहीं चाहता, अपने आप को बदलना नहीं चाहता, क्योंकि शुरुआत अपने आप को बदलने से होती है। मैं आपको बता दूं, आप हर चीज बदल सकते हैं। जिस बाइक पे आए हैं ना, नहीं पसंद है तो बदल डालो। जिस कार पे आए हैं, नहीं पसंद है तो बदल डालो। जिस घर में रहते हैं, नहीं पसंद है तो बदल डालो। घर का फर्नीचर पसंद नहीं है तो बदल डालो। अपने महीने की आमदनी पसंद नहीं है तो बदल डालिए। अपना लाइफ स्टाइल पसंद नहीं है तो बदल डालिए। अपना डेस्टिनेशन पसंद नहीं है तो बदल डालिए। आप कोई शॉप पे पड़ी हुई डमी नहीं है जो बदल नहीं सकते। आप कोई जंगल में लगा हुआ पेड़ नहीं है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। आप इंसान हैं। भगवान की सबसे बड़ी करामात या इन्वेंशन वो इंसान है। तो आप सब कुछ और सब कुछ आसपास जो भी दिख रहा है वो इंसान ने ही बनाया है। तो आपको बदलना होगा, चेंज करना होगा। बहुत बार क्या होता है, मैं बहुत सारी मीटिंग्स में जाता हूं, बहुत सारे लोग मेरे को मिलते हैं। एक भाई साहब एक मीटिंग में मेरे को मिले, कहते सर मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने कहा साहब बताइएगा। कहते 5 साल हो गए मेरे को आपके साथ काम करते करते, इस इंडस्ट्री में काम करते करते मेरे को ज्यादा तरक्की नहीं आई, मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। मैंने कहा सर प्लीज आएंगे आप? मैं कहा मैं इधर साइड पे आइए, मैं कुछ कहूंगा तो आप माइंड तो नहीं करेंगे? कहते बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैंने कहा फिर मेरे को, मैं आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछूंगा जिसके जवाब आपको देने हैं। कहते हाँ सर मैं जवाब देने को रेडी हूँ। मैंने कहा माइंड मत करना, गुस्सा मत करना। कहते बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आपकी बात का वो मैं करते ही नहीं कभी। मैंने कहा एक बात बताइए, क्या आप डेली 2 से 4 मीटिंग करते हैं? कहते नहीं। मैंने कहा आप हर रोज इनोवेशन करते हैं? कहते नहीं। मैंने कहा आप हर रोज कैंप लेते हैं? नहीं। मैं क्या आप टीम पे हमेशा गुस्सा करते हैं? हाँ। मैंने कहा आपको फॉलोअप के लिए अभी तक भी सीनियर की जरूरत है? हाँ। क्या आपको अभी तक भी प्रेजेंटेशन के लिए सीनियर की जरूरत है? हाँ। क्या आपको खुद काम करना आता है? ना। क्या आप 100% फॉलोअर हो? ना। क्या आप सारा दिन फोकस होकर काम करते हो? ना। क्या आप हर रोज अपने सीनियर से बात करते हो? ना। क्या हर रोज आप अपनी टीम से बात करते हो? ना। आपके पास ड्रीम लिस्ट है ना? मैंने कहा जो तरक्की के लिए चाहिए वो आपने पिछले 5 साल से किया नहीं है। तरक्की घर बैठे नहीं आती, तरक्की के लिए खुद को बदलना होता है। मैंने कहा तेरा एटीट्यूड वही नेगेटिव, तेरा गुस्सा करने वाला
वाला एटीट्यूड, तेरा झगड़ा करने वाला एटीट्यूड, तेरा फ्री रहने वाला एटीट्यूड, तेरा कंफर्ट जोन में जाने वाला एटीट्यूड, तेरी टीम में कोई लड़की आए तो प्रभावित हो जाता है। इधर भी कोई हो रहा है क्या? तेरी अपने में कोई लड़की होती है तो आप कहता है मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा तू तो बदला तो कुछ भी नहीं, घूमना तेरे को पसंद है, इंजॉय करना तेरे को पसंद है, शादी तूने कोई मिस नहीं करी, शादी वाला हनीमून में निकल जाता है तो उसके घर में काम करता होता है, बदलेगा क्या? मैंने कहा बदलने के लिए खुद को बदलना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप कुछ नहीं बदलता, हर चीज बाय चॉइस बदलती है। कौन कौन कहता है कि मैं अपनी जिंदगी के अंदर ड्रास्टिक चेंज लेने लेके आने को तैयार हूं आज से? मैं यहां तक भी कहता हूं लोगों को, अगर मेरे को आप लास्ट मंथ से जानते हो फिर भी आप मेरे को इतना नहीं जानते, मैं हर महीने बदल रहा हूं। अगर मेरे को लास्ट वीक से जानते हो फिर भी आप इतना नहीं जानते, मैं हर हफ्ते बदल रहा हूं। आप मेरे को कल से जानते हो तो फिर भी आप मेरे को इतना नहीं जानते, क्योंकि मैं हर रोज बदल रहा हूं। क्योंकि जो लोग सेम जगह पे रहते हैं वो हमेशा डाउन जाते हैं। कहते आगे बढ़ने के लिए आपको सीखना होगा, बदलना होगा, चेंज करना होगा, दिल करे चाहे नहीं करे, मन करे चाहे नहीं करे। लेकिन जो तरक्की के लिए रिक्वायर्ड है, आगे बढ़ने के लिए रिक्वायर्ड है, उसमें मन नहीं देखा जाता, उसमें दिल नहीं देखा जाता। अब एक व्यक्ति का इंटरेस्ट होता है कि मैंने बॉडी बनानी है, तो वो जिम जाता है, दिल करे चाहे नहीं करे वो जाता है। एक व्यक्ति का सपना होता है कि मैंने टॉप करना है, उसका सुबह उठने को दिल करे ना करे, पढ़ाई करने को दिल ना करे, करे ना करे, फिर भी वो करता है, वो बदलता है। कौन कौन कहता है कि मैं बदलाव लेकर आने को तैयार हूं? जबरदस्त तालियां आपके लिए होनी चाहिए।